दोस्तों कैसे हो आप सब होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे मदर्स फ्रेंड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आज का जो ये वीडियो है गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट केयर के बारे में बताऊंगी और ब्रेस्ट में होने वाले जो दो मेजर प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी तो इस वीडियो के बारे में ना हर न्यू मॉम को या जो भी फीड करवा रही हैं उस मॉम को या फिर जो भी प्रेगनेंट होने वाली हैं या प्रेग्नेंट हैं उस सारी वुमेन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज इस वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड दो प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी पहला जो प्रॉब्लम है वो है ब्रेस्ट सैगिंग के बारे में यानी कि जो हमें फीडिंग के दौरान ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेस्ट काफ़ी लटक गया है काफ़ी लूज हो गया है काफ़ी ढल गया है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और इसका सारा सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो अब आप क्या करेंगी और दूसरा प्रॉब्लम जो मैं इसमें आपको बताऊंगी वो है ब्रेस्ट इनगोर्जमेंट के बारे में यानी कि इस जब आपको लगेगा कि ब्रेस्ट मेरा काफ़ी भारी हो गया है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ये जो ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट का टाइम होता है ना गाइज ये बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम होता है इस टाइम पे आपको इतना ज़्यादा पेन होगा ब्रेस्ट में कि आप बच्चे को फीड भी करवाना नहीं चाहेंगी तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी कि ये ब्रेस्ट इन्गोर्जमेंट जैसी प्रॉब्लम क्यों होती है और अगर आपको हो रही है तो इसका क्या सोल्यूशन है तो आइए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम के बारे में जो है ब्रेस्ट सैगिंग यानी इसमें आपको लगेगा लगेगा कि आपका ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा ढीला हो गया है काफ़ी लूज हो गया है नीचे की ओर लटक रहा है काफ़ी ज़्यादा आपको वो लटका हुआ सा महसूस होगा काफ़ी ज़्यादा लूज लूज सा महसूस होगा ये प्रॉब्लम अक्सर हर लेडीज के साथ होता है जो भी मॉम फीड करवा रही होती है उनके साथ ये प्रॉब्लम अक्सर होता है गाइज और इसी टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बेबी को फीड करवा रहे हैं इसलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है हम अपने बेबी को फीड करवा रहे हैं इसलिए हमारा जो ब्रेस्ट है वो नीचे की ओर लटक रहा है या फिर वो बहुत ज्यादा लूज हो गया है बट मोस्टली केस में ऐसा होता नहीं है आप बच्चे को फीड करवा रही इसलिए आपका ब्रेस्ट सैग नहीं हो रहा है इसलिए आपका ब्रेस्ट लटक नहीं रहा इसका कुछ और रीज़न होता है रीज़न क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं तो जब हम वेट पुट ऑन करते हैं तो सिर्फ हमारे शरीर में ही वेट नहीं बढ़ता है ना हमारे ब्रेस्ट का भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके बाद जब हम बेबी को डिलीवर करते हैं तो फिर हम हमारा ब्रेस्ट में मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है तो जिससे क्या हो जाता है कि ब्रेस्ट जो है एक तो ऑलरेडी भारी रहता है उसमें मिल्क आ जाता है तो वो और भारी हो जाता है और भारीपन के कारण ही जो होता है वो ब्रेस्ट जो है वो नीचे की ओर लटकावा में फील होता है तो ये रीजन है ब्रेस्ट का नीचे लटकने का या सैग होने का ना कि आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं इसलिए आपका ब्रेस्ट सैग हो रहा है तो मैं यही कहूंगी गाइस कि जो भी मॉम ये सोच के अपने बच्चे को फीड नहीं करवा रही हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को फीड करवाऊंगी तो मेरे ब्रेस्ट का साइज जो है वो खराब हो जाएगा या ब्रेस्ट मेरा सैग हो जाएगा तो प्लीज गाइज मैं आपसे यही कहूंगी आप अपने बच्चे को खूब फीड करवाइए ऐसा आपको फीड करवाने के कारण आपका ब्रेस्ट ब्रेस्ट सैग नहीं होगा बल्कि अगर आप अपने बच्चे को फ्री फीड नहीं करवाएंगे ना तो आपके बच्चे को वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी जो उसको मिलनी चाहिए ब्रेस्ट मिल्क को ना बच्चे के लिए गोल्ड माना जाता है गाइस ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो एक एंटीबॉडीज का काम करता है बच्चे को कोई फालतू दवाई देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है अगर आप अपने बच्चे को फीड करवाते हैं तो छोटी मोटी बीमारी को तो वो वैसे ही आराम से दूर हो जाता है अगर आप अपने बच्चे को खूब फीड करवाते हैं सिक्स मंथ तक गाइज अपने बच्चे को फीड करवाइए मस्ट है अगर आप एक साल तक फीड करवा देते हैं तो ये और भी अच्छी बात है तो वन ईयर तक तो हर मॉम चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो फीड करे अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बता देती हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेस्ट अब सैग हो रहा है तो आप क्या करेंगी तो इसका पहला है जो सॉल्यूशन है गाइज ये है कि आप राइट मेटर्निटी ब्रा या नर्सिंग ब्रा का चूज कीजिए बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या फिर आसपास के लोग बोलते हैं कि ड्यूरिंग फीडिंग जब हम बच्चे को अपना फीड करवा रहे होते हैं तो हमें ब्रा नहीं पहनना चाहिए ब्रा पहनेंगे तो ब्रेस्ट का साइज खराब हो जाएगा या मिल्क अच्छे से नहीं आएगा या ब्रेस्ट में दर्द हो जाएगा आपको लेकिन गाइज ये बहुत बड़ा मिथ है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बल्कि अगर आप ब्रेस्ट अच्छा से ब्रा नहीं पहनेंगे तो आपका ब्रेस्ट सैग हो जाएगा दूध का फ्लो जो है वो हमेशा होता रहेगा अगर आप सही ब्रा पहनेंगी ना तो आपके ब्रेस्ट को भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा इसलिए आप सही साइज का ब्रा जरूर पहनिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइट ब्रा नहीं पहनिए और ना ही बहुत ज्यादा लूज ब्रा पहनिए बिल्कुल जो आपके ब्रेस्ट के लिए सही हो वैसा ब्रा आप चूज कीजिए और आप इसको यूज कीजिए आप देखेंगे कि देखेंगी कि आपका जो ब्रेस्ट आपको लग रहा है कि नीचे लटक रहा है या सैग हो रहा है ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी गाइज नंबर टू है इसका सोल्यूशन गाइज कि आप सही तरीके से बच्चे को फीड करवाइए अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से फीड नहीं करवाएंगे ना तो तो भी आपका ब्रेस्ट जो है वो नीचे की ओर लटकना स्टार्ट हो जाएगा ब्रेस्ट फीड करवाने से सैगिंग नहीं होती है अगर हम गलत तरीके से अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं ना तो हमारा ब्रेस्ट लटकना स्टार्ट हो जाता है अब आपको करना क्या है बहुत सारे न्यू मॉम्स क्या करती हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट के पास नहीं लाती बल्कि ब्रेस्ट को झुका करके बच्चे के पास ले जाती हैं। ये काम नहीं करना आपको बच्चे के सर को लाना है ब्रेस्ट के पास ना कि ब्रेस्ट को ले जाना है बच्चे के मुंह के पास आपको नहीं झुकना है अगर आप झुकोगे तो आपके साथ साथ जो है वो ब्रेस्ट भी आपका नीचे लटकेगा तो आपको नहीं झुकना है आपने बच्चे को ऊपर लेके आना है और बिल्कुल बच्चे को जो है स्ट्रेट सुलाना किसी आप पिल्लो का सहारा ले सकती हैं अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ पा रहा है छोटा बच्चा होता है तो आप क्या करिए अपने गोद में एक अच्छा सा पिल्लो सॉफ्ट सा पिल्लो रखिए और पिल्लो के ऊपर बेबी को लेकर के और तब उसको फीड करवाइए बच्चे का मुँह जो है ऑटोमेटिक आपके ब्रेस्ट के पास पहुँच जाएगा तो आप मत झुकिए बच्चे को अपने ब्रेस्ट के पास लेकर के आइए गाइस अगर आप इस तरह से बच्चे को फीड करवाइएगा तो आपको ब्रेस्ट सैगिंग जैसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं नंबर थ्री सॉल्यूशन है गाइस कि बहुत मॉम जो होती है ना चूंकि प्रेगनेंसी के दौरान तो बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेती हैं फिर क्या होता है जब वो बच्चे को डिलीवर करती हैं तो अब उनको जल्दी होती है कि हम अपना वेट जो है वो बहुत जल्दी लूज भी कर लें और इसी चक्कर में क्या हो जाता है गाई? कि चूंकि वो चाहती है बहुत जल्दी हम अपना वेट को रिड्यूस कर लें एक तो वो अंदर से वीक होती है ऊपर से और वो डाइटिंग एक्सरसाइज वगैरह जो भी होता है वो करना स्टार्ट कर देंगे तो इस कारण से उनका ब्रेस्ट जो है वो नीचे की ओर लटकना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं यही कहूंगी गाइस कि सिक्स मंथ तक आप सिर्फ अपना केयर और अपने बच्चे का केयर कीजिए बच्चे को आप किस तरह से फीड करवाइए इस पर ध्यान दीजिए ना कि अपना वेट रिड्यूस करने के लिए आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये वेट रिड्यूस करने का बहुत टाइम आएगा बट जो ये शुरू का सिक्स मंथ होता है ना ये आपके बॉडी के लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है गाइस इस टाइम को आप वेस्ट मत कीजिए तो अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम के बारे में जो है ब्रेस्ट इन्गोर्जमेंट ये भी एक ऐसा सीवियर uh, प्रॉब्लम है गाइज कि अगर इसको टाइम पर ट्रीट ना करवाया जाए तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ तक कि आपके ब्रेस्ट में इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर इसको आप टाइम पर ट्रीट ना करवाओ तो so, इस पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा तो सबसे पहले गाइस जानते हैं कि ब्रेस्ट इन्गोर्जमेंट होता क्या है गाइज जब आपको ऐसा फील हो कि आपका ब्रेस्ट जो है वो काफ़ी हार्ड हो गया है एकदम पत्थर की जैसा हार्ड हो गया है और इवन आप इसको जब टच कर रहे हो तो आपको टच करने में भी वो दर्द हो रहा है आपका ब्रेस्ट का कलर जो है हो सकता है रेड या फिर पिंकिश हो जाए निप्पल का कलर जो है वो रेड हो जाए जब अपने अपने बच्चे को फीड करवा रहे हैं तो उस टाइम आप फीड करवाने में भी आपको काफ़ी पेन हो इसी पीरियड को कहते हैं ब्रेस्ट इनकोजमेंट इस टाइम पर बहुत सारे लेडीज़ को गाइज कभी कभी फीवर भी आ जाता है बहुत सारी लेडीज़ को नहीं भी आता लेकिन मोस्टली लेडीज को फीवर तक आ जाता है और काफ़ी पेन होता है ये बहुत पेनफुल पीरियड होता है गाइस तो अब मैं आपको बताती हूँ गाइस कि ये क्यों होता है क्यों ब्रेस्ट इनगोज में जैसी प्रॉब्लम आती है मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ गाइज तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि मैं शुरू से ही अपने पेरेंट्स मेरे जो भी बताते थे उसको मैं टिप्स को हमेशा फॉलो करती थी तो वो सारे टिप्स मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ गाइज़ कि ब्रेस्ट इन्गोर्जमेंट जैसी प्रॉब्लम आती क्यों है तो ये गाइज जो प्रॉब्लम है ना ये शुरू के दो तीन महीने या चार महीने का जब बच्चा होता है उस टाइम पे ज़्यादा होता है क्योंकि होता क्या है कि शुरू के टाइम पे हमारा ब्रेस्ट जो मिल्क है उसका सप्लाई बहुत तेज होता है बहुत ज़्यादा होता है और बच्चा उतना फीड नहीं कर पाता है तो होता क्या है कि मॉम उस मिल्क को पंप करके हटाने के बजाय अगर रहने छोड़ देती है ना तो वही मिल्क जो है वो जमा होते होते ही वहाँ पे क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है और जिससे कि वहां पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो पहला रीजन यही है गाइज कि ओवर सप्लाई का होना दूसरा रीज़न इसका होने का गाइज कि बहुत सारी मॉम जो होती हैं वो दिन में तो अपने बच्चे को फीड करवाती हैं बट रात में फीड नहीं करवाती अपना अपने सुख के लिए कि ताकि उनको रात में जगना ना पड़े रात में परेशानी ना हो वो रात में बॉटल में फार्मूला मिल्क बना के रख देती हैं या फिर एक बार अपना मिल्क को पंप करके और अपना ही मिल्क जो है वो बॉटल में रख देती हैं लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो भी लेडीज़ रात में फीड नहीं करवाती हैं उनके साथ दो प्रॉब्लम आती है पहला तो ब्रेस्ट इन्गोजमेंट वाली प्रॉब्लम जो अभी मैं आपको बता रही और दूसरा उन्हीं लेडीज़ का जो जो मिल्क होता है मिल्क का जो सप्लाई होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है बहुत सारी लेडीज जो परेशान होती है ना कि मेरा मिल्क ही नहीं बन रहा है उसका रीजन यही है कि आप रात में अच्छे से बच्चे को फीड नहीं करवा रहे हो तीसरा रीजन है गाइज ब्रेस्ट इंकोर्जमेंट होने का कि जैसे कि डॉक्टर हमें कहते हैं कि आपका बच्चा आपसे फीड मांगे या ना मांगे आप दो से तीन घंटे में अपने बच्चे को फीड करवाया कीजिए बट होता क्या है कि हो, हो सकता है मॉम बहुत बिजी रहती होंगी या फिर किसी भी रीजन से अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और बच्चे को चार पांच घंटे गैप करके फीड करवा रही हैं या फिर एक बार आप अपना फीड करवा रही हैं और दो तीन बार आप फार्मूला मिल्क पिला रही हैं तो आप फीडिंग का बहुत ज्यादा गैप रख रही हैं इस कारण से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो गाइज आप हर दो तीन घंटे में अपने बच्चे को फीड करवाइए या फिर जब भी आपका बच्चा फीड मांगे तो आप बच्चे को फीड करवाइए नेक्स्ट रीजन है गाइस ब्रेस्ट ब्रेस्ट इनकोजमेंट होने का वो है कि बहुत बारी होता है कि मॉम एक ही साइड से बच्चे को फीड करवाती हैं इसका रीजन भी होता है या तो वो एक ही साइड फीड करवाने में कंफर्टेबल होती हैं ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था गाइस मुझे ना हमेशा एक साइड से फीड करवाने में कंफर्टेबल होता था तब मेरी दादी ने बताया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप अपने बच्चे को दोनों साइड में बराबर बराबर से पिलाओगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी होता क्या है कि कई बार बच्चा फीड करते करते ही सो जाता है और मॉम का एक तरफ का तो फीड करके सो गया ठीक है पर दूसरे साइड का तो मिल्क वैसे ही बन रहा है तो वो जो जमा हो जाता है तो कभी कभी वही बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो बस यही गाइज यही दो तीन रीजन होते हैं ब्रेस्ट इनगोर्जमेंट जैसी प्रॉब्लम आने का अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी कि अगर आपके साथ ऐसा होता है या हुआ है तो अब आपको क्या करना चाहिए सबसे पहली चीज गाइज कि अगर आपको फीवर आ रहा है तब तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए और एक अच्छा सा मेडिसिन जो भी आपको आपके बॉडी को सूट करे वो आप फीवर का मेडिसिन ले लीजिए मेडिसिन का नाम मैं इसलिए नहीं बता सकती हूँ गाइज क्योंकि हर वुमेन का बॉडी अलग अलग तरह का होता है तो बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिए दूसरी चीज़ अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाह रही हैं अभी तो आप जो होम रेमेडीज कर सकती वो मैं आपको बताती हूँ जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आए कि ब्रेस्ट काफ़ी भारी हो गया या दर्द हो रहा है या रेड हो गया तुरंत जाइए और गर्म गर्म चीज़ खाना स्टार्ट कर दीजिए गर्म चीज़ का मतलब है कि जैसे आप गर्म दूध पी लीजिए गर्म गर्म चाय पी लीजिए कॉफ़ी पीना चाहती उस टाइम पे तो गर्म कॉफ़ी सूप जो भी आपको गर्म गर्म चीज़ मिले उसका इंटेक करना स्टार्ट कर दीजिए गरम गरम चीज पीने से क्या होगा कि आपके ब्रेस्ट में जो मिल्क जमा हो गया वो धीर धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप क्या कीजिएगा उसको पंप करके बाहर निकाल दीजिएगा आप क्या कर सकती हैं गाइस कि आप हॉट वाटर का कंप्रेस भी कर सकती हैं अपने ब्रेस्ट के पास आप चाहे तो हॉट वाटर बैग का भी यूज कर सकती हैं हॉट वाटर बैग का लीजिए और ब्रेस्ट के ऊपर कोई कपड़ा रख करके और उसके ऊपर से हॉट वाटर बैग का रख करके और उसका कंप्रेस कीजिए उससे सेकिए ये भी बहुत ज्यादा फायदा करता है हॉट वाटर बैग का यूज करना अगर आपके पास हॉट वाटर बैग नहीं है अगर आप सेक नहीं सकती हैं तो जाइए गर्म या गुनगुने पानी से जो है एक अच्छा सा शावर सावर ले लीजिए आप जब उसे नहाइएगा तो गर्म पानी जब आपके ब्रेस्ट पे भी गिरेगा थोड़ी देर तो क्या होगा जो मिल्क वहाँ जमा है जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है जिसके कारण आपको रेडनेस हो रही है वो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप उसको जो है बाहर निकाल दीजिएगा और लास्ट जो इसका सोलूशन है इस जो मेरी दादी मुझे बताती थी पता नहीं ये आप लोग के ऊपर कितना असर करेगा मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जब भी तुम अपने बच्चे को फीड करवाओ तो ब्रेस्ट को जो एक बार हल्का सा मिला दो मतलब अगर आप गैप करके पिला रही हैं हैं घंटे हो गए तो क्या करना है ब्रेस्ट को हल्का सा मिला लेना है और तब बच्चे को फीड करवाना है मेरे साथ यही होता था मैं ये करती भी थी ब्रेस्ट को थोड़ा सा मिला करके तब बच्चे को फीड करवाती थी तो इस कारण से भी शायद मुझे कभी यह प्रॉब्लम नहीं आई बट इन केस अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम आ रही हैं तो बस इसका यही सॉल्यूशन है तो गाइज ये वीडियो भले ही बहुत छोटी थी बट ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ब्रेस्ट केयर से रिलेटेड इस वीडियो में मैंने आपको दो प्रॉब्लम के बारे में बताया ब्रेस्ट सैगिंग के बारे में और ब्रेस्ट इन्गोजमेंट के बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है गाइज दो दिनों के बाद उसमें मैं आपको निप्पल केयर के बारे में बताऊँगी कि अपने ब्रेस्ट का जो निप्पल है उसको आप कैसे केयर कर सकते हो क्योंकि इसको भी अगर आप अच्छे से केयर नहीं करोगे तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है दर्द हो सकता है यहाँ तक कि ब्लीडिंग भी हो सकती है तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो दो दिन के बाद आपको मिलेगी अगर आपको पसंद आई है ना ये वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए जितने भी पेरेंट्स हैं जितने भी न्यू मॉम आपके आस पास है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए क्योंकि न्यू मदर्स फ्रेंड का मोटिव ये है गाइज कि हम बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के पास लेके आए ताकि आप लोग उसको शेयर करो और बहुत सारी मॉम की जो है वो हेल्प हो सके ओके गाइज़ बाय टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग